एक बार एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर जाता है, बाल कटवाने, कभी दाढ़ी बनाने। वो कई बार उस नाई की दुकान पर जाया करता था। दोनों अच्छे मित्र बन चुके थे। इस बार भी जाता है। दोनों बहुत सी बातें करते थे, कभी देश को लेकर, कभी समाज को लेकर, कभी राजनीति को लेकर, कभी परिवार को लेकर। आज भी वही बातें हो रही हैं। बातें करते करते उनका प्रसंग, उनकी बातें भगवान तक पहुंचती है। अब भगवान का नाम आते ही नाई ने कहा, देखो भाई, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मेरी नजर में भगवान है ही नहीं। व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? नाई ने कहा, अरे जरा मेरी गली में चलो, वहां के लोगों को देखो, कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं, उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं। अगर भगवान होते तो इतनी दिक्कतें थोड़ी होती, वे इतने दुखी थोड़ी होते। तो मेरी नजर में तो भगवान नहीं है। व्यक्ति ने सोचा वो थोड़ा उन्हें समझाए, लेकिन वो उस परिस्थिति में नहीं था कि कोई भी बात समझ सके। बात झगड़ा बन सकता था, इसलिए वो व्यक्ति शांत होकर वहां से चला गया। थोड़ी ही दूर जाता है कि सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे। दाढ़ी मूछ खूब बड़ी बड़ी है, बाल बड़े बड़े हैं। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक बात आती है। वो वापस उस नाई की दुकान पर जाता है, जाकर कहता है, अरे सुनो, तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया में नाई है ही नहीं। नाई ने कहा, ये कैसा मजाक है, अरे मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं एक नाई हूँ। बोले, नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, इस पूरी दुनिया में नाई कहीं भी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, मैं नाई हूँ, मैं नाई का कार्य करता हूँ, यहाँ तक कि तुम भी तो मेरे पास ही आते हो। उस व्यक्ति ने कहा, तो जरा फिर इधर आना। सामने से जो बुजुर्ग आ रहे थे वो उनकी तरफ इशारा करता है, ये देखो, अगर नाई होते तो इनके बाल इतने बड़े होते, इनकी दाढ़ी मूछ इतनी बड़ी होती। नाई ने कहा, देखो, अब नाई तो है, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नाई के पास आते ही नहीं, उन पर भरोसा ही नहीं रखते, उनसे काम ही नहीं करवाना चाहते। व्यक्ति ने कहा, उसी प्रकार भगवान तो है, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान के पास आना नहीं चाहते, उन्हें जानना नहीं चाहते, उन पर भरोसा नहीं करना चाहते, उन्हें महसूस नहीं करना चाहते। अगर आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में जितने भी दुख आते हैं, या आप निराशा में रहते हैं, या जो दिक्कतों में रहते हैं, भगवान आपको उससे लड़ने की हिम्मत देते हैं। जैसे हमारे माता पिता, जब माता पिता हमें डांटते हैं या कभी कभी गलतियों में हाथ भी उठा लेते हैं, पर हम क्या कहते हैं कि माता पिता की मार में भी या उनकी डांट में भी उनका प्यार छिपा है। उसी प्रकार ये जो दुख है, संकट है, दिक्कतें हैं, ये भगवान की डांट है कि जरूर हमने कुछ गलती की है, हमसे कुछ गलत कार्य हुआ है जिसका परिणाम हमें भगवान दे रहे हैं, लेकिन उससे एक सीख भी दे रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई संकट हो, आप भगवान के पास जाइए, उनका ध्यान करिए, वो आपको संकट से लड़ने की हिम्मत भी देंगे और उस दुख में हल्की सी खुशी भी होगी कि उन्होंने आपको अपना बच्चा समझकर आपके गलत किए हुए कार्य का परिणाम आपको दिया है, ताकि आप जल्द से जल्द सुधर जाएं, अपने उस कार्य से कुछ सीखें और आगे बढ़ें।